हेलो फ्रेंड्स आज के टाइम में ना आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस के हेल्प से अपने फ़ोन के साथ कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं फ़ोन छोड़िए आप अपने लाइफ को भी यूट्यूब की हेल्प से बहुत बदल सकते हैं जैसे कि आज आप लाइव इस वीडियो में देखेंगे कि यदि आपके पास रियलमी ओपो वीवो वन प्लस इन चारों में से कोई भी हैंडसेट है किसी भी मतलब इन चारों में से कोई भी मॉडल का आपका फ़ोन है तो आप यदि वो, वो लॉक हो गया है तो उसे कैसे अनलॉक करेंगे आज के इस वीडियो में आप सीख सकते हैं बड़े आराम से यदि आप एक दुकानदार हैं आपकी शॉप है आपके पास लोग आते हैं फ़ोन को अनलॉक कराने के लिए तो आप उस बस कुछ ही मिनटों में उसे अनलॉक कर सकते हैं और कस्टमर से आराम से आप हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं और यदि आप यूज़र हैं नॉर्मल यू, नॉर्मल यूज़र हैं तो आप बिना शॉप पर गए अपने हज़ार रुपया मतलब मिनिमम तो पाँच सौ तो लग ही जाता है पाँच से हज़ार रुपये तक बचा सकते हैं यदि आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो आपके दो हज़ार तक बच जाएंगे तो इस वीडियो को एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी हर वीडियो में कि कंप्लीट देखिए यदि आप कम्प्लीट नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाएंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है तो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फिर से बता दूँ मैं वो अभिषेक सिन्हा और आप देख रहे हैं रिव्यू रिविल तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं <laughs> अब जैसा कि दोस्त देख रहे हैं लाइव मेरे पास ये दो हैंडसेट है इन दोनों हैंडसेट में लॉक लगा हुआ है और इन दोनों हैंडसेट में कोई भी मैं पिन पैटर्न पासवर्ड लगा दूं ये खुलता ही नहीं है तो इसका मतलब इसका पासवर्ड आदमी भूल गया है और इसे कैसे अनलॉक करेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में लाइव तो चलिए मैं मान के चलता हूँ मेरे पास तो फिलहाल अभी एक शोमी का हैंडसेट है और दूसरा है रियल का हैंडसेट तो फिलहाल तो अभी रियलमी ज़्यादा सेल हो रहा है तो मैं रियल के ऊपर ही बनाता हूँ वीडियो लेकिन आप मत ये समझिएगा कि आप रियलमी में मैं मैं दिखा रहा हूं, तो आप अपने ओपो वन प्लस वीवो को और, और एम को अनलॉक नहीं कर सकते आप सबको अनलॉक कर सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक से जो मैं बताऊंगा इसमें वही ट्रिक जो मास्टर की है आप उससे सारे फ़ोन्स को अनलॉक कर सकते हैं सिर्फ सैमसंग को छोड़ करके तो फिलहाल मैं ये वीडियो आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ करना क्या है आपको आपको सीधे जाना है इसके लॉकिंग डिस्प्ले पे और इससे एक बार राइट राइट अप करना है जैसे आप इसे करेंगे ना यहाँ एक ऑप्शन आ जाता है जो हर फ़ोन में आता है इमरजेंसी कॉल्स का अब आपको इमरजेंसी कॉल्स वाले को दबाना है जैसे यहाँ दबाएंगे ना आपको यहाँ पे पुलिस फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं करना है आपको यहाँ पर एक कोड डालना है वो जो कोड है मोबाइल अनलॉकिंग कोड उसको आपका यहाँ पे डालना है तो चलिए वो मैं कोड यहाँ पे डालता हूँ पहला है स्टार दूसरा है हैज फिर एट डबल नाइन हैज मैं फिर से आपको बता दूँ वो कोड है स्टार हैज एट डबल नाइन हैज यदि आप भूल जाते हैं यदि आप याद नहीं रख पाएंगे तो इसका स्क्रीन ले लीजिए बस लास्ट में आपको हैज सिर्फ दबाना रह गया है तो मैं अभी हैज अब दबाता हूँ जैसे दबाऊँगा ना आपका इंजीनियर मोड आपका एक्टिव हो जाता है और हम सभी इंजीनियर मोड में इंटर कर जाते हैं अब यहाँ करना क्या होता है ना इंजीनियर मोड में आप अपने फ़ोन को कम्प्लीट बदल सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को के रिगार्डिंग लेकिन फिलहाल हमारा फ़ोन अभी लॉक हो गया है तो अभी हम उसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे इंजीनियर मोड में आपको अपने से कुछ नहीं दबाना है तो चलिए अब आगे दबाते हैं इसमें आपको खोजना है मैनुअल टेस्ट को कि इस ऑप्शन में मैनुअल टेस्ट कहाँ है हो सकता है आप में नंबर वन पे हो किसी का नंबर फाइव पे हो किसी और का नंबर एक दस पे हो तो फिलहाल तो इस फ़ोन में नंबर फोर पे है तो इसे दबाते हैं तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मैनुअल टेस्ट पे आपका और भी ज़्यादा मैनुअल टेस्ट के अंदर आपको नया नया ऑप्शन देखने को मिलता है लेकिन आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है आपको सीधे बस राइट स्वैप करना है और चले जाना है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर जो कि अदर का ऑप्शन है जैसे कि आप यहाँ लाइव देख रहे हैं अब इस अदर वाले ऑप्शन पर भी आपको पाँच ऑप्शन मिलते हैं यहाँ आपको सिर्फ दो का इस्तेमाल करना है पहला है डाटा बेस वर्ज़न और दूसरा है की स्टेटस अब डाटा बेस बेस वर्सन आप पहले यहाँ देख लीजिए यदि आपके फ़ोन में भी चेक करिएगा कि यदि डाटा बेस वर्ज़न यही सेम है तब तो आप अपने इस फ़ोन को बड़े आराम से अनलॉक कर लीजिएगा यदि इससे अलग है दोस्तों तो मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके डाटा बेस वर्जन के रिगार्डिंग एक कमेंट दूंगा उस कमेंट से आप तुरंत अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं अब मान के चलते हैं फिलहाल तो यही कि आपका डाटा बेस वर्सन यही सेम है तो कैसे अनलॉक करेंगे आपको यहाँ पर जो डाटा बेस वर्सन है इसे आपको टोटल पच्चीस बार क्लिक करना है एक दो बार नहीं पच्चीस बार तो चलिए इसे पहले क्लिक करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव अब पच्चीस बार दबाने से क्या हुआ ट्वेंटी फाइव टाइम्स दबाने से आपका अनलॉकिंग जो मोड है ना वो आपका एक्टिव हो चुका है अब इस ट्रिक से अब आपको आगे क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ अब आपका जो सेकेंड लास्ट जो स्टेप आपका बाकी है वो है सिर्फ की स्टेट को दबाना जैसे मैंने दबाया आपका जितना भी पिन पैटर्न पासवर्ड सब आपका हट चुका है फ़ोन का इसका मतलब आपने अपने फ़ोन को अनलॉक कर लिया है आपका जो यहाँ देख रहे हैं जो दो ऑप्शन दिखा रहा है नॉट सपोर्ट वो भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस फ़ोन में पीछे में कोई इन मतलब सॉरी फिंगरप्रिंट सेंसर है नहीं और ना ही आगे में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है इसलिए यहाँ पे नॉट सपोर्ट दिखा रहा है बाकी के जितने भी फेस लॉक पिन लॉक पैटर्न लॉक जितने भी हैं यहाँ तक कि जो गूगल का भी जो लॉक है वो भी हट चुका है तो आपने अपने फ़ोन को अनलॉक तो कर लिया लेकिन अभी आपका फ़ोन अनलॉक दिखाएगा नहीं क्योंकि अभी भी एक स्टेप बाकी है वो जो स्टेप है वो मैं आपको बता रहा हूँ बैक होंगे अब यहाँ से सीधे चाहेंगे होम स्क्रीन पर यहाँ पर और यहाँ पर आपको करना क्या है ना कि इस फ़ोन को अभी आपको एक बार री स्टार्ट मारना है तो चलिए पावर बटन को दबाते हैं अब फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑप्शन आ गया है मैं इसे जल्दी से रीस्टार्ट कर देता हूँ अब हमारा फ़ोन री मोड पर चला गया है किसी भी टाइम हमारा फ़ोन चालू होगा और हमसे बिना पिन पैटर्न पासवर्ड मांगे हमारे फ़ोन को वो अनलॉक कर देगा फ़िलहाल के लिए यदि आपने वी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक तो कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए उनके साथ जिनके पास रियलमी का हैंडसेट है या फिर आपका ओप्पो वीवो वन प्लस कोई भी एंडसेट है जिससे वो भी अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकें साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम मोबाइल के रिगार्डिंग ऐसे ऐसे नए नए प्रॉब्लम्स का वीडियो जरूर बनाते हैं तो आपको फ्यूचर में भी हमारी वीडियोज़ बहुत काम किया मतलब आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा फ़ोन किसी भी समय अब चालू होने वाला है जैसे कि आप यहाँ लें तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था ना कि आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है हमसे यहाँ तक कि लॉकिंग डिस्प्ले भी नहीं मांगा गया मतलब हमसे कोई भी पिन पैटर्न पासवर्ड बिना मांगे हमारा फोन होम स्क्रीन पर आ गया इसका मतलब हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया और ये ट्रिक काम कर रही है इसका मतलब आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं बड़े आराम से चुट, मतलब चुटकी भर में तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट कीजिए मुझे आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा साथ ही यदि आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पा रहा है तो मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए अपने मॉडल नंबर के साथ ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई एट ए टाइम एट ए टाइम मैं आपको दे सकूं और आप भी अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ तो देखते रहिए रिव्यू रिविल्ड